नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 12 Pro वर्सेस Apple iPhone 13 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 5.78 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.81 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 12 Pro में 0.29 इंच जबकि iPhone 13 में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 12 Pro में 187 ग्राम जबकि iPhone 13 में 173 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 19:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1170x2532 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 86.89% है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 457 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 12 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 13 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 12 Pro में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 13 की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Apple GPU 4-core ग्राफिक्स देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 12 Pro में Apple Bionic और iPhone 13 में Apple Bionic मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6 GB की रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128 GB, 256 GB, 512 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 12 Pro में iOS V14 जबकि iPhone 13 में iOS V15 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 12 Pro में 4 कलर्स जबकि iPhone 13 में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 12 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 115,100 रुपीस, 6 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 124,700 रुपीस, 6 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 145,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPhone 13 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 79,900 रुपीस, 6 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 89,900 रुपीस, 6 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 109,900 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है,
फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 है जो कि 88,999 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है जो कि 93,150 रुपए में मिलता है। तीसरा एप्पल आईफोन 12 मिनी है जो कि 84,900 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है जो कि 92,900 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।